नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल हिस्ट्री ऑनलाइन। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो में आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट बार अनमोल हिस्ट्री ऑनलाइन में मैं वीडियो में आया हूँ और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज मैं आपके बीच क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी से फर्स्ट चैप्टर संसाधन से संबंधित विषयों को लेकर मैं आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का संसाधन, आज हम संसाधन के विषय में जानेंगे। संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सबको डिटेल से मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, ये मुझे आशा है। तो साथियों, देर ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही है, संसाधन। जी हाँ दोस्तों, ये सभी संसाधन हैं। तो देखते हैं संसाधन में क्या क्या है। सबसे पहले जल है, वायु है, पुस्तकें हैं, फल एवं सब्जियां हैं, कलम है, मोटरगाड़ी है और भारतीय रेल का तस्वीर आपको जैसा कि दिख रहा है, इंडियन रेलवेज। तो दोस्तों, ये सभी संसाधन हैं। तो आइए हम देखते हैं संसाधन के विषय में, उसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि संसाधन क्या है और कितने प्रकार का होता है वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं संसाधन है क्या। हमारे चारों ओर की वो वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं और जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संसाधन कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं नजर आती हैं। तो हमारे चारों ओर वो सारी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, जो हमारे काम की होती हैं और जो हमारी जितनी भी आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता हैं, उनको वो पूरा करती हैं, वही संसाधन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं साथियों? संसाधन कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं साथियों, पानी, हवा, किताब, कलम, फल, सब्जियां, मोटरगाड़ी, ये सभी संसाधन के ही उदाहरण हैं, जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीर में दिखाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन के प्रकार, तो साथियों आइए देखते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो संसाधन जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, संसाधन जो है वो तीन प्रकार के हैं। पहला जो क्या है वो है पहला मानव संसाधन, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव संसाधन। आइए दोस्तों विचार करते हैं, तीनों पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों प्राकृतिक संसाधन को देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो नेचुरल रिसोर्स है, जिसको कि हम लोग रिसोर्स मीन्स यहाँ पे संसाधन से है, अंग्रेजी में रिसोर्स बोलते हैं, हिंदी में संसाधन कहा जाता है साथियों। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो सभी आ जाते हैं, हवा, जल, महासागर, वन, पहाड़, ये सब चट्टान, ये सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के भी प्रकार हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन के भी प्रकार हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, दो ठो हैं। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन है। आगे देखते हैं विकास और उपयोग के आधार पर। अगला क्या है? विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। साथियों एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। आगे देखते हैं उपयोग के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, उपयोग के आधार पर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगला है चक्रीय, उसी में। उसके बाद है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर भी है साथियों सर्वव्यापक और स्थानिक, दो तरह का संसाधन है।
तो ये हुआ प्राकृतिक संसाधन के प्रकार। सबसे पहले हम लोगों ने देखा संसाधन के प्रकार, उसमें हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन के प्रकार पर। तो देखा हमने उत्पत्ति के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर और वितरण के आधार पर हम लोगों ने देखा कई प्रकार हैं इनके। तो एक एक करके हम सबके बारे में आपको बताऊंगा। आप सिर्फ क्या करना, आपको ध्यान से पेशेंस के साथ बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा ये संसाधन के विषय में जो भी मैं बताऊंगा पूरा समझ में आएगा। और मैं वादा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो से अवश्य संतुष्ट होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन के प्रकार में हम सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन हमारे और अजैव संसाधन, ये दोनों पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले जैव संसाधन पर विचार करते हैं। तो यहां सबसे पहले देखते हैं जैव संसाधन। सभी सजीव इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जितने भी सजीव हैं जैसे कि पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, जंतु और मानव, ये तीनों हमारा जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जितने भी सजीव हैं। ठीक है, अगला है अजैव संसाधन। अजैव मतलब ऑपोजिट, जिसमें जो सजीव नहीं होते हैं, मीन्स निर्जीव होते हैं, जैसे कि मृदा, जल, हवा, चट्टान। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे सामने कुछ तस्वीरें हैं पेड़ पौधों का, जंतु का, मानव का, मृदा, जल, हवा और चट्टानों का। ये सभी पिक्चर ये बताता है कि ये सभी जैव और अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं विकास और उपयोग के आधार पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विकास और उपयोग के आधार पर, ये हमारा राउंड फिगर कर दिया मैं, विकास और उपयोग के आधार पर हमारा जो है वो है वास्तविक संसाधन। क्या है वास्तविक संसाधन, देखते हैं वास्तविक संसाधन है क्या। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जी हाँ दोस्तों, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं, ना कि भविष्य में करेंगे, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। साथियों, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, ये सभी क्या है वास्तविक संसाधन है। ठीक है, देखते हैं साथियों एग्जाम्पल। झारखंड में कोयला, बॉक्साइट, महाराष्ट्र में क्या है दक्कन पठार की काली मिट्टी और पश्चिम एशिया में क्या है खनिज तेल, ये सभी वास्तविक संसाधन है दोस्तों, ये सभी क्या है वास्तविक संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे देखते हैं संभाव्य संसाधन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संभाव्य संसाधन, देखते हैं संभाव्य संसाधन होते हैं क्या। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है, जी हाँ दोस्तों, वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों भविष्य में किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में हम नहीं कर रहे हैं बल्कि भविष्य में कर सकते हैं, वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम और केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनोजाइट संभाव्य संसाधन है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख जो है वहाँ पर यूरेनियम भारी मात्रा में पाया जाता है और केरल के तटीय रेत में, तटीय क्षेत्र में मोनोजाइट, ये जो है सो संभाव्य संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं उपयोग के आधार पर। आगे देखते हैं उपयोग के आधार पर हम संसाधन के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं नवीकरणीय, इसको समझ लेते हैं। वैसे संसाधन जिनका शीघ्रता से नवीकरण किया जा सकता है अर्थात दोबारा उपयोग किया जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, वैसे संसाधन जो कि हम मतलब दोबारा उपयोग उसको कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं और उसको नवीकरण किया जा सकता है, नवीकरण कहने का मतलब है उसको हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, वही जो है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण देखते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा
और जल अथवा वन, वन मतलब जंगल, ये सभी क्या हुए, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हुए। अगला है अनवीकरणीय, अनवी मतलब इसका ऑपोजिट उल्टा, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकरण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मतलब एक बार जब वो समाप्त हो जाएगा तो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता है, हाँ होगा लेकिन उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो कि हमारी जो उम्र है उससे कई लाखों गुना ज़्यादा है, है ना, इसलिए इसको बोलेंगे अनवीकरणीय, मतलब इसका नवीकरण हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है वितरण के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन के ही हम प्रकार पढ़ रहे हैं अभी, आगे मानवीय संसाधन पढ़ेंगे फिर मानव संसाधन को भी पढ़ेंगे, तो हम प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के अंतर्गत वितरण के आधार पर हम देखते हैं सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो सबसे पहले हम सर्वव्यापक की बात करते हैं, जो संसाधन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चलता है, सर्वव्यापक, सर्व मतलब सभी जगह, व्यापक मतलब जो मौजूद है, ठीक है, जो सभी जगह पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा, साथियों हवा जिससे जिसमें से हम सांस लेते हैं, यह सर्वव्यापक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अस्थानिक, देखिए नाम लिखा हुआ अस्थानिक, अस्थानिक मतलब जो विशेष स्थान में पाए जाते हैं, वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं जैसे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं वो, जैसे लो आयस्कोर तांबा, ये निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं ना कि सब जगह। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे हम विचार करते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखिए प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रकार थे वो सारे खत्म कर दिए हमें, अब आगे हम मानव निर्मित संसाधन के बारे में देखेंगे, मानव निर्मित संसाधन देखते हैं। मानव निर्मित, यहाँ पे देख रहे हैं मानव निर्मित मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया संसाधन, ऐसे संसाधन तो सब नेचुरल ही है, बट हम लोग करते क्या हैं बता रहे हैं, जब मानव प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदलकर उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में करता है तो वही बनी हुई नई वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि बढ़ई जो है लकड़ी को क्या करता है, लकड़ी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, और बढ़ई क्या करता है, जब उन लकड़ियों से कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, चौकी या पलंग बनाता है, तो यही जो कुर्सी हुआ, मेज हुआ, चौकी हुआ, पलंग हुआ, ये सभी मानव निर्मित संसाधन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, मानव निर्मित संसाधन। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, तो समझ में आ गया होगा साथियों, मानव निर्मित संसाधन क्या है सो, मतलब प्राकृतिक संसाधन के ही जो है सो वास्तविक रूप को बदल करके वो अन्य वस्तुओं को बनाने में जब उसका प्रयोग करता है उस प्राकृतिक पदार्थ का, और जो नई वस्तुएं बन जाती हैं वो नई वस्तुएं क्या होती हैं, मानव निर्मित संसाधन होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला खुद है मानव संसाधन। साथियों मानव भी अपने आप में एक संसाधन है, कैसे हम देख लेते हैं, मानव में शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास कैसे होता है, शिक्षा से होता है, तकनीकी शिक्षा से होता है, स्वास्थ्य से होता है, और कौशल की सहायता से होता है, ठीक है। इनके सहयोग से मनुष्य क्या करता है, नई वस्तुओं का निर्माण करता है, ठीक है, और जो नई वस्तुओं का निर्माण करता है उस लायक बन जाता है, कैसे बनता है, शिक्षा के द्वारा, तकनीक के द्वारा, स्वास्थ्य के द्वारा, कौशल की सहायता से बनता है, इसलिए क्या है, मानव भी खुद में एक संसाधन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है संसाधन का संरक्षण, ये पॉइंट पर विचार करते हैं, संसाधन संरक्षण। देखिए साथियों संसाधन का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, ये क्यों जरूरी है आइए देखते हैं। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का व्यापक स्तर पर दोहन हो रहा है, दोहन मतलब खत्म कर दिया जा रहा है उसको। तो प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, समाप्त हो जाएगा, और जब समाप्त हो जाएगा ये तो अनवीकरणीय है, जब समाप्त होगा दोबारा प्राप्त करने में लाखों वर्ष लगेंगे, इस तरह से जो है सो इसका संरक्षण हम लोग करके रखेंगे, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जब ये संसाधन जब एक बार समाप्त हो गया ना तो दोबारा पाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे, जो हमारी उम्र से कई लाख गुना ज़्यादा होता है, इसलिए संसाधन का संरक्षण अनिवार्य है साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगला जो है हमारा है सतत पोषणीय विकास, इस पे हम देख लेते हैं। सतत पोषणीय विकास किसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पे सवाल बनता है, तो अगली वीडियो में मैं ये जो संसाधन चैप्टर में जो पढ़ाया इस पे
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूँ, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सतत कौशलीय विकास, संसाधनों का जो उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन। जी हाँ दोस्तों, संतुलन बनाए रखना सतत कौशलीय विकास कहलाता है, ठीक है। संसाधनों का उपयोग, देखिए साथियों, संसाधनों का जो उपयोग है करने की आवश्यकता, मतलब कई प्रकार का संसाधन जिसका हम उपयोग हमें करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता हमें होती है, और उस संसाधन को भविष्य के लिए संभाल के रखना है, संरक्षित करके रखना है, तो उसमें जो संतुलन हम लोग जो बनाए रखते हैं वही होता है सतत पोषणीय विकास। अगर संतुलन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा संसाधन समाप्त हो सकता है और हमें परेशानियों का, हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः सतत पोषणीय विकास बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है साथियों, आज का इतना ही पॉइंट था, पहला चैप्टर मैंने पूरा समाप्त कर दिया संसाधन को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप में से अगर कोई अभी तक हमारे YouTube चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इसी संसाधन चैप्टर से महत्वपूर्ण सवाल पर हम विचार करेंगे और देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।